जय हिंद। नमस्कार। आखिर सेना भर्ती रैलियों को लेकर ही क्यों इतने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं? क्यों युवाओं के साथ इतना गलत किया जा रहा है? क्यों इन युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं दिख रहा है? जो नेता मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज पता नहीं वो कहां सो गए हैं। अरे ये युवा मांग करते करते थक से गए हैं, तो कुछ एक ने गलत कदम तक उठा लिए, लेकिन फिर भी क्यों इन युवाओं की जायज मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही, ये समझ से परे है। क्यों इन युवाओं की परेशानी, उनकी समस्याओं को बड़े मीडिया संस्थान नहीं दिखा रहे हैं? अरे क्यों सरकार से सवाल नहीं किए जा रहे हैं? खैर, सरकार के नेता मंत्रियों को तो छोड़ ही दीजिए, विपक्ष के नेता मंत्री भी या तो चुप्पी साधे पड़े हैं या तो फिर वो फालतू के मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ते दिख रहे हैं। अरे जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, अगर उन्होंने इसकी जगह अग्निपथ योजना हटाओ यात्रा शुरू की होती, तो यह यात्रा इतनी बड़ी, इतनी विशाल होती कि पता भी नहीं चल पाता कि यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की लाइन कहां से शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है। और इस यात्रा से इन युवाओं को उनका हक भी जरूर मिल जाता, लेकिन नहीं, यहां तो सभी को अपनी राजनीति चमकानी है, सभी को अपना अपना फायदा देखना है। जब युवाओं की मांगों वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो फिर फैसला सुनाने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्यों समय पर फैसला नहीं सुनाया जा रहा है? क्योंकि इस मामले में जितनी ज्यादा देरी की जाएगी, उससे युवाओं को उतना ही ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। ये युवा पहले ही ओवर एज हो चुके हैं, अगर ज्यादा समय और बीत जाता है तो फिर ये और कई तरह के नए नियमों को आड़े ला सकते हैं। इसलिए हम दिल्ली हाईकोर्ट से यह मांग करते हैं या निवेदन करते हैं कि फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए, जिससे कि समय रहते इन युवाओं को उनका हक मिल सके। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी युवा वास्तव में अपना हक लेना चाहते हैं, तो आप सभी को एकजुट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर युवा अब ये मानकर बैठ गए हैं कि अब इस मामले में कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने और सेना ने जो कर दिया वो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। जबकि आपकी यह सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि आप कुछ गलत मांग कर ही नहीं रहे हैं, आपकी मांगे वाजिब हैं, आपका हक बनता है भाई। जल्दबाजी में हम बार बार गलत ही किए जा रहे हैं। जब तक हम किसी काम को लेकर पूरी प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक उसमें सफल हम नहीं हो सकते। कुछ लोग पता नहीं क्यों बार बार असफल प्रयास किए जा रहे हैं, जब हमें पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, हमारा प्लान कुछ नहीं है, तो फिर क्या ही हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप युवा आपस में ही बंटने लगे हो। कोई किसी की बातों में आकर किसी को कुछ गलत बोल रहा है, तो कोई किसी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। खैर, कमियां तो जो होनी थी हो गई। अगर आप सभी युवा अब भी अपने हक के लिए आगे बढ़ते हैं, एकजुट होते हैं, तो हम इसको लेकर जल्द पूरी प्लानिंग आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को आज जितना हो सकता है उतना ज्यादा फैला दीजिए, सभी युवाओं तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, और इसी वीडियो से हमें यह भी पता चल सकेगा कि आप युवा अपने हक के लिए कितने जागरूक हैं। देखिए, सवाल तो बनता है, आखिर क्यों सेना भर्तियों में ही लगातार इतने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं? सरकार कहती है कि सेना पर पेंशन और सैलरी का जो बजट है ज्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए पेंशन खत्म कर दी गई और 4 साल की नौकरी कर दी गई। क्योंकि जब जब ये बड़े बदलाव हुए हैं, तब तब युवाओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सेना में रेगुलर भर्ती को हटाकर 4 साल की नौकरी कर दी गई, इसके बाद क्लर्क टेक्निकल ट्रेडमैन की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की जगह 2 साल कम कर दी गई। अग्निपथ योजना लागू कर आर्मी एयरफोर्स की पुरानी प्रक्रियाधीन भर्तियों को रद्द कर दिया गया, जिससे आज हजारों युवाओं की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, उनका सेना में जाने का सपना अब सपना बनकर रह गया। ये युवा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर अपने हक के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, लेकिन बहरी गूंगी सरकार पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने हक के लिए जागना ही होगा, और मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस का कि आप अपना हक पाने के लिए कितने तैयार हैं। आप मैसेज करके, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप अपना हक पाने के लिए तैयार हैं, क्या आप सभी एकजुट होने के लिए तैयार हैं। अगर हाँ में जवाब आता है और आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, तो हम बहुत जल्द इसको लेकर पूरी प्लानिंग यही आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि हमें अब आगे क्या करना होगा। क्योंकि जब तक हमारी प्लानिंग मजबूत नहीं होगी, हमारा पूरा इसको लेकर प्लान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक आप भले ही छोटे मोटे कुछ भी ऐसे करते रहो, उनसे कोई फर्क नहीं करने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें हमारा हक नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक बड़ी प्लानिंग के तहत सारे काम किए जाएंगे। बस अब हमें इंतजार है आपके मैसेज, आपके कमेंट, आपके सपोर्ट का कि आप युवा इसको लेकर
क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।